बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई 2020, 16 रमज़ान 1441। आज के केस शेयर करूंगा मैं आपके साथ सऊदी अरब से। आज कोरोना वायरस के कितने केस रिकॉर्ड किए गए हैं, किस शहर से कितने आए हैं, कितने लोग आज सेहतयाब हुए हैं और कितने लोगों की आज वफात हुई है इस वायरस के चलते हुए। आप सब भाइयों को पता है कि सऊदी अरब में 1800 का फिगर लग चुका है, लेकिन कल से 1700 केस आ रहे हैं। तो आज केस शेयर करने से पहले भाई मैं आपको यहां डिटेल बताता चलूं इस वायरस के मुतल्लक। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रखे होंगे, सऊदियों में 30% है जी, गैर मुल्कियों में 70% है। नीचे आप देख लें जी, बूढ़ों में 4% है, बच्चों में सॉरी बालग हजरात में 90% आ रहा है और बच्चों में 6% आ रहा है। बालग अफराद में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं। तो औरतों में जी 18% है, जो मर्द हजरात हैं उनमें 82% है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर आज के केस देख लें, 1704 केस आज रिकॉर्ड किए गए हैं सऊदी अरब से, जिनमें मक्का सरफरस्त है। हालांकि मक्का में 24 घंटे कर्फ्यू चल रहा है भाई, पूरे शहर मक्का में 417 केस मक्का से रिकॉर्ड किए गए हैं। रियाद दूसरे नंबर पर 316 है, जद्दा 265 है जी, मदीना 112 केस है जी। मदीना के भी कुछ इलाके जो कर्फ्यू में थे उनमें से भी अभी कर्फ्यू उठा लिया गया है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो अल-दमाम 111 केस है, तैफ 107 है, अल-जुबैल 67 है, खुबर 64 है। नीचे ऐसी वही 5, 7, 10 ऐसे 15, 20 चल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो अभी तक सऊदी अरब में टोटल केस हो चुके हैं जी 37,136 और इनमें से सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,144 हो चुकी है और इनमें से वफात पाने वालों की तादाद 239 हो चुकी है। तो आज जो सेहतयाब हुए हैं भाई उनकी तादाद 1024 है और आज वफात पाने वालों की तादाद 10 है। आज 10 अफराद वफात पा गए हैं इस वायरस के सबब सऊदी अरब में और 1024 अफराद आज सेहतयाब हुए हैं और आज नए केसों की तादाद 1704 रिकॉर्ड की गई है।